हमें कई लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं कि वो लोग अपना वजन तो कम करना चाहते हैं, हमारी टिप से उन्हें काफी फायदा भी मिल रहा है, लेकिन जंक स्नैक्स खाने में ज्यादा कैलोरीज, ज्यादा शक्कर और ज्यादा फैट है। ये बात पता होने के बावजूद वो लोग शाम की भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते और जंक फूड खा लेते हैं। लोगों का कहना है कि हम लंच, डिनर और बाकी मील्स में तो खाने को सोच समझकर खाते हैं, लेकिन इवनिंग स्नैक्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमने सोचा क्यों ना आपको इस समस्या का समाधान बता दिया जाए। तो अगर आपको भी यही समस्या है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम आपको 6 हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स के बारे में बताने वाले हैं। इन डिलीशियस स्नैक्स को आप दिन में कभी भी खा सकते हैं और इन्हें खाने से आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने के पहले हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि प्लीज आप हमारे चैनल ज्ञानी जी हेल्थ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। पहला स्नैक्स ऑप्शन है फ्रेश वेजिटेबल्स। हम जब शाम को ऑफिस से या कॉलेज से घर आते हैं तब हमको भूख लगती ही है और हम तो आपसे यही कहेंगे कि शाम को आपको कुछ न कुछ खाना ही चाहिए। अब यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, पहले जो आते ही किचन में जाते हैं और डिब्बे में से रैपर और नमकीन निकाल कर खाने लग जाते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो कुछ हेल्दी बनाकर खाते हैं। आपको इन दोनों की तरह ही नहीं करना है, आपको बस कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स लेने हैं जैसे कि गाजर, ककड़ी, खीरा और पत्ता गोभी, और उन्हें एक प्लेट में काट कर ऊपर नमक और काली मिर्च डालकर मजे से खाना है। खास बात ये है कि अगर आप दो प्लेट भी इन वेजिटेबल्स को खा लेंगे फिर भी आप 100 से भी कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। दूसरा स्नैक ऑप्शन है होल फ्रूट्स। ये प्लांट बेस्ड फ्रूट्स होते हैं जिनमें आपको कई तरह के विटामिन्स, भरपूर मात्रा में फाइबर और कुदरती मिठास मिलती हैं। इन फ्रूट्स में आप एप्पल, पाइनएप्पल्स, वाटरमेलन, बनाना, चेरी, ऑरेंज और ग्रेप्स जैसे अनप्रोसेस्ड फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स में आपको कुदरती मिठास मिलती है और वेट लॉस प्रोसेस में सबसे बड़ी रुकावट है मीठे की क्रेविंग होना। जब लोग हफ्ते भर तक शक्कर वाली चीजें नहीं खाते तो उनको मीठे की क्रेविंग होने लगती है और फिर लोग ज्यादा मीठा खा लेते हैं जो कि वेट लॉस प्रोसेस को पूरी तरह बिगाड़ कर रख देता है। लेकिन अगर आप रोजाना हेल्दी फूड खाने के साथ एक छोटी प्लेट फ्रूट्स खा लेते हैं तो आपको कुदरती मिठास मिलती है और मीठा खाने की क्रेविंग नहीं होती, इसलिए आप इस स्नैक ऑप्शन को भी जरूर चुनिए। तीसरी डिलीशियस लेकिन हेल्दी स्नैक ऑप्शन है डार्क चॉकलेट। जी हाँ, हम आपको चॉकलेट खाने के लिए ही कह रहे हैं लेकिन यहाँ हम आपको डार्क चॉकलेट खाने का सुझाव दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि तकरीबन 40 से 42 ग्राम के मिल्क चॉकलेट बार में करीब 6 टीस्पून शुगर होती है, वही उतने ही ग्राम डार्क चॉकलेट में करीब 2 टीस्पून शुगर होती है। मिल्क चॉकलेट के मुकाबले डार्क चॉकलेट में फाइबर ज्यादा होता है और कर्व्स भी कम होते हैं, इसलिए आप अपने चॉकलेट खाने की क्रेविंग से दूर भागने की बजाय आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं जो कि आपकी बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं देगा। यहाँ हम आपसे इतना कहेंगे कि आप रोजाना डार्क चॉकलेट की 40 ग्राम की बार ना खाएं, आप इसे हफ्ते में 2-3 दिन खा सकते हैं। चौथी हेल्दी और डिलीशियस स्नैक है ड्राई फ्रूट्स। आप ड्राई फ्रूट्स को भी स्नैक्स के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं, बस यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि आप ज्यादा ड्राई फ्रूट्स ना खाएं क्योंकि कई लोग तो फिर एक साथ 20 से 25 बादाम खा लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप शाम को 4 बादाम, 2 अखरोट, 2 खजूर और 4 पिस्ता खा सकते हैं। इसके साथ ही आप 50 ग्राम पीनट्स भी खा सकते हैं। इन्हें खाने से आपका पेट भी भरा रहेगा और जंक फूड से भी दूर रहोगे और आपकी बॉडी को जरूरी विटामिंस भी मिलेंगे। पांचवा स्नैक ऑप्शन है प्रोटीन बार। आप शाम की भूख मिटाने, अपनी बॉडी की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के साथ डिलीशियस टेस्ट के लिए भी प्रोटीन बार खा सकते हैं। हालांकि प्रोटीन बार चुनते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें ज्यादा शक्कर ना हो। और आपकी मदद के लिए हम डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में कुछ अच्छे शुगर फ्री और कम शुगर वाले प्रोटीन बार्स की भी लिंक दे देंगे। आप चाहें तो उन्हें वहां से खरीद सकते हैं या फिर खुद इंग्रेडिएंट्स पढ़कर थोड़ा रिसर्च करके मार्केट में जाकर अपने लिए सही प्रोटीन बार खरीद सकते हैं। हमारी लिस्ट का आखिरी डिलीशियस और हेल्दी स्नैक ऑप्शन है आटा ब्रेड वेजिटेबल सैंडविच। जी हाँ, आप अपने घर पर बनी हुई वेजिटेबल सैंडविच खा सकते हैं। बस यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप आटा ब्रेड का इस्तेमाल करें और इसे बनाने वक्त
कम ऑयल का इस्तेमाल करें एंड हो सके तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कितनी सैंडविच खा सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि आप 2 वेजिटेबल सैंडविच खा सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ही सैंडविच खाने की सलाह देंगे क्योंकि स्नैक्स खाने के 1-2 घंटे के बाद आपको डिनर करना होता है। यहाँ हम आपको बता दें कि अगर आप सुबह उठकर 8 बजे ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और 2 बजे के आसपास लंच करते हैं तो आप इन स्नैक्स को सुबह के 11 से 12 बजे के बीच भी खा सकते हैं। तो अब आप इन हेल्दी और डिलीशियस स्नैक्स को खाइए और अपना वजन घटाइए। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानी जी हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।